ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल में 8 सितंबर को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए पुलिस महकमा पूरी सतर्कता बरतेगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा पुराने परीक्षा केंद्रों पर इस बार नए सिस्टम से होगी। लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 3 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुँचना होगा। हिमाचल में 8 सितंबर को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए पुलिस महकमा पूरी तरह सतर्कता बरतेगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। आपको बता दें कि पुलिस आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा पुराने परीक्षा केंद्रों पर इस बार नए सिस्टम से होगी। लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 3 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुँचना होगा। SP अजीत सिंह के अनुसार जिला के 2522 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा बराज के बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर और DAV स्कूल सिलासी हमीरपुर में ही होगी, लेकिन इस बार अभ्यर्थियों को रोल नंबर समेत एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर ही आवंटित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र की जानकारी ईमेल और मोबाइल पर SMS के माध्यम से दी जाएगी। पुलिस आरक्षी भर्ती के लिए 8 सितंबर को लिखित परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होगा। बाल स्कूल हमीरपुर में एडमिट कार्ड संख्या 1 से 800 तथा DAV स्कूल सिलासी में एडमिट कार्ड संख्या 801 से 2522 तक के अभ्यर्थियों को सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच रिपोर्ट करनी होगी। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि 8 सितंबर को बाल स्कूल हमीरपुर और DAV स्कूल सलासी में ही परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर ही एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाए जाएंगे। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेकर परीक्षा केंद्र में आना सख्त मना है तथा एंट्री से पहले पूरी जाँच होगी। गौरतलब है कि गत 16 से 19 जुलाई को पुलिस लाइन मैदान दो सड़का में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा को जिले के 2522 पुरुष और महिला अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण किया। इसके बाद इन अभ्यर्थियों का चयन 11 अगस्त को लिखित परीक्षा के लिए हुआ, लेकिन 11 अगस्त की परीक्षा में धांधली होने के चलते वे रद्द कर दी गई। अब पुलिस विभाग 8 सितंबर को दोबारा इस परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इसके लिए इस बार परीक्षा केंद्रों में ही रोल नंबर देने का प्रावधान है। आयोजन किया गया जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो चुका है और सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, लेकिन सरकार के आदेशों अनुसार जो रिटन एग्जाम था वो स्क्रैप हो गया था और उसको दोबारा करने के आदेश हमें प्रदेश सरकार से मिले थे। तो जैसे कि ऑलरेडी प्रेस के माध्यम से बताया जा चुका है, ये एग्जाम जो है 8 तारीख शनिवार रविवार को निर्धारित हुआ है। इसमें हमको काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है प्राप्त हुई हैं, जिसको हम आपके माध्यम से पब्लिक और कैंडिडेट्स तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसमें सबसे पहले जैसे पिछली बार सभी कैंडिडेट्स के लिए 2 वेन्यू थे, इस बार भी 2 वेन्यू हैं। एक वेन्यू गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर है, जिसमें एडमिट कार्ड नंबर एक से लेकर 800 तक इस स्कूल में रहेंगे, और DAV पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलासी यहाँ पे 801 से लेकर 2522 एडमिट कार्ड नंबर तक, कितना 2522 एडमिट कार्ड नंबर तक जो छात्र एवं छात्राएं होंगे वो इस स्कूल में रहेंगे। सभी उम्मीदवारों को जो एडमिट कार्ड है वो वेन्यू पे ही दिया जाएगा। जैसे पहले पिछले एग्जाम में उनको मेल किया गया था, एप्लीकेशन उनको मेल ईमेल के थ्रू माध्यम से प्रोवाइड की गई थी और उसकी एक प्रिंट वो लेके आए थे इसमें है, उन सब के कमरों में वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी एग्जामिनेशन के दौरान, और इसके अलावा उन कमरों में जैमर्स भी लगाए जाएंगे जिससे कोई भी मोबाइल सिग्नल जो है उस एरिया में आए जा ना सके। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो ये माइंड में ज़रूर रखें या पब्लिक, कि अगर फिर भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी ऐसी पाई जाती है कि किसी व्यक्ति ने इम्पर्सनेशन या झूठी डिटेल्स दे के एग्जामिनेशन में बैठने की कोशिश की, तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी और FIR उस पर होगी। तो इसलिए आप सबके माध्यम से मैं यही जनता को बताना चाह रहा हूँ कि ये एग्जामिनेशन बिल्कुल सुचारू रूप से बिना किसी बाधा से संपन्न हो, यही हमारी उम्मीद है। मैं आई विल रिपीट अगेन, सुबह 8 बजे जो है ये छात्र छात्राएं अपने वेन्यूज पे रिपोर्ट करेंगे और एग्जामिनेशन जो है 12 बजे स्टार्ट होगा।
8 से लेकर 11 बजे तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिट कार्ड्स रहेगी। कोई भी छात्र छात्रा जो है इससे लेट ना आए, क्योंकि उनको एग्जामिनेशन में फिर बैठने नहीं दिया जाएगा।